अल्लाह करे जी, अल्लाह हमारे रहम फरमाए। मैं आज वीडियो देख रहा था हज़रत, वो जो जानवर मर गए हैं और जो इंसान हैं वो मरने के करीब हैं। हज़रत ये तो पता नहीं हज़रत जी कितों मेर है इस इलाके उत्ते सियालकोटियाँ। मैं तो कहा करता हूँ सियालकोटी हो और तुम तो मसले तो रब न सजदे नहीं ना करते हैं, तुम कोलियाँ तो भी करो तो रब का शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह ने तुम्हें इंडस्ट्री दी है इतनी बड़ी हज़रत, अल्लाह ने यार रिस्क बड़ा आसान कर दिया। अल्लाह ने मैं हज़रत जी एक दफ़ा ना पहली बार मैं गया हज़रत, ये कोई कुछ सिंध का अंदरून था, हम शद्दादपुर गए। शद्दादपुर से ट्रेवल करते करते न तो वहाँ बच्चे ना सूखी रोटी खा रहे थे, सालन सालन कोई नहीं सी है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा यार सूखी रोटी खा रहे हैं सालन, तो वो पूछता है सालन क्या होता है, सालन क्या होता है। फिर मैंने उसको बताया, शायद वो मेरी बात नहीं समझ सका, मैं उसको समझा नहीं सका, उनकी ज़ुबान में सालन को कुछ और कहते होंगे। तो मैंने कहा वो जिसको पकाते हैं हंडिया में और जिसमें फिर रोटी डबो, तो आगे कहता है साईं वो तो कभी कभी मिलता है, साईं वो तो कभी कभी मिलता है। हम तो अरे जी पिज़्ज़ा हैं एक नहीं लातादाद पिज़्ज़े हैं, हर पिज़्ज़े की दुकान पर रश है, साथ रेस्टोरेंट है, साथ रेस्टोरेंट है, उधर रेस्टोरेंट है, हर रेस्टोरेंट पे रश है। हर साल सियालकोट वाले हज़रत जी नई गाड़ी लेते हैं, एक साल से ज़्यादा ये गाड़ी नहीं चलाते हैं कोई। लेकिन हज़रत जी हालात हमारे देख लो, नहीं हज़रत हमें आना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा। मैं आप सबसे देखिए जी कैमरा लगाए आपसे भी मुखातिब हूँ, कैमरे में जहाँ जहाँ तक बात आएगी। हाँ उधर जी जो हमारे घर में मुसल्ला पड़ा ना, रोज़ अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत करता है, ये अल्लाह मेरे तो पढ़दा ही कख नहीं है। वो जो तस्बीह पड़ी है ना हमारे घर में, वो रोज़ अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत करती है। वो जो हमारे घर में कुरान पाक पढ़ा ना, वो रोज़ अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत लगाता है। हाँ अगर कर सूरह मुल्क जाके अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ कर सकती है कि या अल्लाह ये रोज़ मुझे पढ़ता था, या तो मुझे कुरान से निकाल दे या इसको माफ़ कर, अगर तब हो सकता है तो अब नहीं हो सकता। जो 114 सूरतें हैं तो क्या वो रोज़ नहीं, सूरह रहमान रोज़ अल्लाह की बारगाह में शिकायत नहीं करती होगी? या अल्लाह कैसा बंदा है रोज़ मेरे सामने रोज़ मोबाइल खोल खोल के देखता है, कभी मुझे नहीं खोला इसने, जब घर आता है मोबाइल खोल के बैठ जाता है। अल्लाह मैं तो वो हूँ जिसके लिए तू खुद कुरान में कह रहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कभी शिफा ढूंढने वहां जाता है, कभी लाहौर जाता है, कभी इस्लामाबाद जाता है, कभी सीटी स्कैन कराता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अल्लाह शिफा पता नहीं होगी या नहीं होगी, मैं तो वो हूं तूने मेरे लिए क्या ही ये दिया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा, नहीं नहीं कहता होगा। वो रोज सूरह रहमान अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत नहीं करती होगी, वो रोज सूरह यासीन कहती नहीं होगी, या अल्लाह मोबाइल नहीं छोड़ता मुझे खोलता कोई नहीं, सूरह इखलास कहती नहीं होगी, या अल्लाह ये कैसा पैसों का भूखा है, पैसे के पीछे पीछे भागता। अल्लाह तेरे महबूब ने कह दिया जो एक बार सूरह इखलास की तिलावत करेगा उसको 10 पारे तिलावत करने का सवाब मिलेगा। अल्लाह नहीं सूरह इखलास कहती होगी अल्लाह की बारगाह में, ये अल्लाह कैसा है, तेरे महबूब ने फरमाया जो 2 बार तिलावत करेगा 10 पारे तिलावत करने का सवाब होगा, जो 3 बार तिलावत करेगा पूरा कुरान तिलावत करने का सवाब होगा, ये फिर भी नहीं करता है। क्या सूरह यासीन अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए कहती नहीं होगी, अल्लाह कैसा है, तेरे महबूब ने फरमाया जो 1 बार सूरह यासीन की तिलावत करे पूरा कुरान करीम तिलावत करने का सवाब मिलेगा। या अल्लाह इसको पता भी है मैं कुरान का दिल लूं फिर भी नहीं पढ़ता, क्या सूरह रहमान अल्लाह की बारगाह में अर्ज नहीं करती होगी महबूब इसको, या अल्लाह इसको पता भी है मैं कुरान की जीनत हूं हुस्नू मैं कुरान का फिर भी मुझे नहीं पढ़ता। ये जितने अमरिजक के लिए परेशान है, ये जितने भी अमरिजक के लिए परेशान है, क्या रोज सूरह वाकई अल्लाह की बारगाह में अर्ज नहीं करती होगी, रब्बा कैसा बंदा है। तेरे महबूब ने फरमाया जो हर शाम इसकी तिलावत कर दे करेगा उसको फाका नहीं आएगा, फिर भी नहीं पढ़ता। आफ साहब को जाके पूछता है, आफ साहब दसो हाँ इंश्योरेंस करानी जायज है कि नहीं जायज, चलो जायज ने जायज उसको तो रखो ना पीछे, ओ भाई ये जायज है, ये ऐन जायज है,
महबूब फरमा रहे हैं जो रोजाना अपना मामूल बना रहे सूरह वाकिया की तिलावत करने का फाका नहीं आएगा, जिसमें उलमा का इख्तलाफ पाया जाता है तो उसके मसले जा के पूछता है दसो जायज है कि नहीं जायज है। ये कुरान, ये अल्लाह का कलाम, ये महबूब अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पे उतरी, उन्हें पढ़ता कोई नहीं है तो फिर क्या सूरह वाकिया अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत नहीं करती होगी? या अल्लाह वे रिजक अलू परेशान है, मेरे जो रिजक रखा गया मैंने पढ़ता ही कोई नहीं है। अमल की तरफ आओ यार, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी अमल वाला